हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में सिग्नल सिस्टम के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ये एग्ज़ाम 21 अक्टूबर 2022 को कंडक्ट करवाया गया है स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार के द्वारा। ये 6 सेमेस्टर लेटरल एंट्री वाले का क्वेश्चन है सिग्नल सिस्टम का। चलिए, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड सिग्नल, कौन सा ऑड सिग्नल है। तो एक्स ऑफ टी इज कॉल टू माइनस एक्स ऑफ माइनस टी, ये क्या होता है, ऑड सिग्नल होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट स्टेप फंक्शन, यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होता है, यू ऑफ टी इज कॉल टू 1 होता है टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे, और इसका वैल्यू 0 होता है टी लेस देन 0 पे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यू ऑफ टी इज कॉल टू 1 टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टैटिक सिस्टम, कौन सा स्टैटिक सिस्टम है। तो स्टैटिक सिस्टम क्या होता है, मेमोरी लेस सिस्टम भी इसको बोलते हैं, तो रेसिस्टर हो जाएगा, रेसिस्टर में कोई मेमोरी नहीं होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइम इनवेरियंट सिस्टम, कौन सा टाइम इनवेरियंट सिस्टम है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है ए सिस्टम इज सेड टू बी कॉजल इफ़ इट्स आउटपुट डिपेंड्स ऑन प्रजेंट एंड पास्ट वैल्यू ऑफ द इनपुट, फ्यूचर पे डिपेंड नहीं करेगा, केवल प्रजेंट और पास्ट पे डिपेंड करेगा, तो उसको हम लोग कॉजल सिस्टम बोलेंगे। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 5 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनर्जी सिग्नल, कौन सा इनर्जी सिग्नल है, ई टू डी पावर माइनस बी टी इंटू यू ऑफ टी, ये क्या है, इनर्जी सिग्नल है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है इन फूरियर सीरीज विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ए नॉट फोर पीरियोडिक फंक्शन एफ ऑफ टी, ए नॉट का कौन सा हो जाएगा, तो 1/t इंटीग्रेशन 0 से t एफ ऑफ टी डी टी, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 7 का ए हो जाएगा, 7 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है इफ फंक्शन एफ ऑफ टी इज ऑड, जब ऑड फंक्शन होगा देन विच ऑफ द फॉलोइंग कोफिशियंट फूरियर सीरीज इज 0, कौन कौन 0 हो जाएगा, तो ए नॉट और ए एन जो है 0 हो जाएगा, केवल बी एन बचेगा, क्या होगा, केवल बी एन बचेगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, बोथ ए एंड सी, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ इम्पल्स फंक्शन डेल ऑफ टी इज, डेल ऑफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1 होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 10वां है लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ टी इज, एफ ऑफ टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ टी ई टू डी पावर माइनस एस टी डी टी, ऑप्शन बी हो जाएगा, 10 का बी। 11 है इफ लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज एफ ऑफ एस देन लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू डी पावर माइनस ए टी एफ ऑफ टी का क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एस प्लस ए, अगर ई टू डी पावर ए टी एफ ऑफ टी रहता तो क्या होता है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, एस माइनस ए, ऑप्शन ए हो जाएगा, 11 का ए। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, ये आपका इनिशियल वैल्यू थ्योरम है, तो कौन सा करेक्ट है, लिमिट टी टेंस टू 0 एफ ऑफ टी इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी एस इंटू एफ ऑफ एस, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है ट्रांसफर फंक्शन इज डिफाइंड फॉर, ट्रांसफर फंक्शन एल टी आई सिस्टम के लिए निकलता है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के मीन्स लीनियर सिस्टम के लिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है ये x3/x1 का वैल्यू पूछा है, तो क्या हो जाएगा, 8/1 - 0.5, तो क्या आ जाएगा, 8/0.5 मतलब 16 आ जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है देखिए ये दोनों कास्केड में है और ये जो है पैरेलल में है, तो कास्केड में जब रहता है तो क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है, तो g1 ऑफ s इंटू g2 ऑफ s ये हो जाएगा, और उसके पैरेलल में ये है, तो जब पैरेलल में रहता है तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, g1 ऑफ s इंटू g2 ऑफ s प्लस g3 ऑफ s, देखिए ऑप्शन से कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है इन्वर्स लैपलास ऑफ माइनस ए बाई एस इंटू एस माइनस ए, तो 1/e^(at) हो जाएगा, 1 का लैपलास ट्रांसफॉर्म 1/s होता है और e^(at) का होता है 1/s - a, अब बट्टा बर का जोड़ कर दीजिए 1/s और 1/s - a, तो s s - a,
तो क्या आ जाएगा, एस माइनस ए आ जाएगा, माइनस एस आ जाएगा, एस एस कट जाएगा, क्या बचेगा, माइनस ए बटे एस इंटू एस माइनस ए, यही है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 16 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, नंबर ऑफ फॉरवर्ड पार्ट इन दिस सिग्नल फ्लोग्राफ, क्या गो फॉरवर्ड पाथ है, तो एक पाथ तो ये हो गया, दूसरा पाथ ये हो गया, और तीसरा पाथ जो है ये ऐसे आएगा यहाँ से लेके फिर ऐसे जाएगा, तो तीन गो पाथ हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स एन, क्या होता है, समेसन एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन जेड टू डी पावर माइनस एन, ऑप्शन क्या हो जाएगा 18 का, सी हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एन इज इफ एक्स जेड इज इक्वल टू इतना, तो इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, थोड़ा डाउट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स एन इज एक्स जेड देन जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ एन माइनस के इज इक्वल टू जेड टू डी पावर माइनस के एक्स ऑफ जेड, ऑप्शन सी हो जाएगा 20 का। ग्रुप बी में हम लोग चलते हैं, ग्रुप बी का क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, डिफाइन वेदर द फॉलोइंग सिग्नल इज पीरियोडिक और नॉट, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 40 प्लस साइन पाई बाई 3t दिया हुआ है, दूसरा है एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू कॉस रूट 2t प्लस साइन t, और मैं पूछा एक्सप्लेन एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिटरमिन वेदर द फॉलोइंग सिस्टम इज लीनियर और नॉन लीनियर, ठीक है, तो ये दोनों दिया हुआ है, इसको लीनियर या नॉन लीनियर डिटरमिन करना है। इसी के और में पूछा है, फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सिग्नम फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिटरमिन लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, इम्पल्स फंक्शन, रैंप फंक्शन। इसी का और क्वेश्चन है, फाइंड फाइनल वैल्यू एंड इनिशियल वैल्यू ऑफ फंक्शन एक्स ऑफ टी हुज लैपलास ट्रांसफॉर्म इज एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू एस प्लस 7 बाई एस इंटू एस प्लस 5 दिया हुआ है, इसका इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन टाइम शिफ्टिंग एंड टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। इसी के और क्वेश्चन में है, एक्सप्लेन जेड ट्रांसफॉर्म एंड आर ओ सी ऑफ द सिग्नल, इसका जो है जेड ट्रांसफॉर्म और आर ओ सी निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, ब्लॉक डायग्राम, टेक ऑफ पॉइंट, फॉरवर्ड पाथ, फीडबैक पाथ, इसको एक्सप्लेन करना है। इसी के और क्वेश्चन में पूछा है, फाइंड ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम सोन इन फिगर, ये जो फिगर दिया हुआ है उसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। ये दोनों कास्केट में है तो दोनों का क्या हो जाएगा, जी वन ऑफ एस इंटू जी टू ऑफ एस, और उसके बाद जो है ये निगेटिव फीडबैक है, वहाँ से आप निकाल दीजिए। ग्रुप सी का क्वेश्चन नंबर 7 है, डिटरमिन वेदर द फॉलोइंग सिग्नल्स आर पावर सिग्नल और एनर्जी सिग्नल और नन ऑफ दीज, ये आपको डिटरमिन करना है, ये पावर सिग्नल या एनर्जी सिग्नल इसमें से क्या है उसको। इसी का और क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम, स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम, कॉजल एंड नॉन कॉजल सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑब्टेन द ट्रिगोमेट्रिक फूरियर सीरीज ऑफ द वेव फॉर्म शोन इन फिगर, इसका जो है ट्रिगोमेट्रिक फूरियर सीरीज निकालना है। इसी का और क्वेश्चन में पूछा है, ऑब्टेन फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द वेव फॉर्म शोन इन फिगर, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म जो है निकालना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी इज एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, डिटरमिन एक्स ऑफ टी यूजिंग हेविसाइड थ्योरम का यूज करके इसको जो है फाइंड करना है एक्स ऑफ टी को। इसी के और क्वेश्चन में पूछा है, फाइंड लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, साइन ओमेगा टी ई टू डी पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन, ये फंक्शन आपको दिया हुआ है, इसका इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म जो है निकालना है। इसी का और क्वेश्चन में पूछा है, फाइंड जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू कॉस एन ओमेगा इंटू यू ऑफ एन। क्वेश्चन नंबर 11 सिग्नल फ्लोग्राफ से है, ऑब्टेन द ओवरऑल गेन ऑफ द सिग्नल फ्लोग्राफ शोन इन फिगर यूजिंग मैसन गेन फार्मूला का यूज करके इसमें ओवरऑल गेन निकालना है। इसी का और क्वेश्चन में पूछा है, इफ़ द डिफरेंस इक्वेशन ऑफ द सिस्टम वाई एन इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, फाइंड द फॉलोइंग सिस्टम फंक्शन, पोल जीरो प्लॉट ऑफ द सिस्टम फंक्शन। तो ये देख सकते हैं 21 अक्टूबर 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ है, लेटरल एंट्री 6th सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का, उसका ये क्वेश्चन पेपर है सिग्नल सिस्टम का, देख सकते हैं डिफरेंट सारा क्वेश्चन जो पूछा गया है एग्जाम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।